यहाँ पे टैंक की बात करते हैं तो टैंक ऊपर से काफ़ी मस्कुलर लगता है। मोबाइल चार्जिंग का यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया है, तो आप फ़ोन को इजीली यहाँ चार्ज कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं ऑल न्यू बजाज की तरफ से बजाज पल्सर F250, जो कि 250 सीसी सेगमेंट की ऑफरिंग है। और फ्रेंड्स, ये जो है आप बोल सकते हैं कि 220F के प्लेस में कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया, क्योंकि कंपनी ने कुछ टाइम पहले यहाँ पे 220F जो है उसका प्रोडक्शन अभी बंद कर दिया और वो बाइक आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे इस बाइक में आपको काफ़ी कुछ जो है वो फीचर्स देखने को मिल जाता है, जो कि रिक्वायरमेंट था, काफ़ी लोगों का डिमांड भी आ रहा था, तो इस हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे वर्क किया है और आपको काफ़ी कुछ जो है वो अच्छा प्रोवाइड किया है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम डिटेल रिव्यू देने वाले हैं इसी बाइक का। अगर आप भी यहाँ पे न्यू बाइक परचेस करने का प्लान बना रहे थे तो आप आज के इस वीडियो को देख ले, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो प्राइसिंग है वो आपको मतलब काफ़ी बजट में देखने को मिलता है और साथ के साथ यहाँ 250 सीसी के इंजन के साथ साथ कंपनी फीचर्स और लुक्स भी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसका जो प्राइसिंग कंपनी ने रखा है वो रखा है 142,220 रुपीज़ के अप्रॉक्स में एक्स शोरूम, और ऑन रोड ये बाइक आपको मिलती है लगभग में 167,000 to 168,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में। तो ये जो प्राइजेज है फ्रेंड्स, ऑन रोड प्राइजेज में आपको RTO इंश्योरेंस वगैरह सब इंक्लूड देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे जो एसेसरीज अगर आप कुछ परचेस करेंगे तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। तो फ्रंट में यहाँ पे आपको बुमरैंग शेप में LED में DRLs कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि देखने में काफ़ी एक फ्रंट से अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्टर लाइट्स आपको यहाँ मिल जाता है, जो कि फ्रेंड्स LED में ही रहता है। कंपनी आपको यहाँ पर LED में प्रोजेक्टर लाइट्स ऑफर कर रही है और फ्रंट लुक कुछ ऐसा आता है। ग्राफिक्स वर्क काफ़ी अच्छा किया गया है इस बार फ्रंट में। यहाँ पे रेड से आपको ग्राफिक्स मिल रहा है, ये ग्रे कलर में है, इसमें रेड कलर भी आपको देखने को मिल जाएगा और वो भी कलर जो है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। वाइज़र यहाँ पे काफ़ी टॉल आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, ये आप देख पा रहे होंगे, जिससे कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो बाइक है वो काफ़ी एरोडायनेमिक्स हो जाती है और विंड ब्लास्ट जो है वो आपको मतलब काफ़ी हद तक चेस्ट पे काफ़ी कम लगता है, जिससे कि बाइक को टॉप स्पीड वगैरह पे ले जाने में और राइड करने में तो आपको काफ़ी कम्फर्ट यहाँ पे मिलेगा। अगर हम इस साइड से यहाँ पे बात करते हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको जो मतलब मिरर्स का डिज़ाइन है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक 220F के जैसा ही कंपनी ने प्रोवाइड किया है, और ये भी सेमी फेयरिंग डिज़ाइन में ही आता है। साइड से भी आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे ग्राफिक्स वर्क वगैरह देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा हनीकॉम पैटर्न टाइप का डिज़ाइन दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है साइड से इस बाइक को। और सेम यहाँ पे 220F के जैसा ही सेमी फेयरिंग आपको डिज़ाइन मिलता है। टैंक पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पल्सर का लोगो आपको मिलता है और काफ़ी मस्कुलर लगता है टैंक यहाँ पे देखने में। अगर हम टायर्स की बात करते हैं तो कंपनी MRF सीरीज़ के आपको टायर्स प्रोवाइड करती है, जो कि जैपर सीरीज़ का है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाता है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स कंपनी प्रोवाइड कर देती है, और 300mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है फ्रंट में, जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। 100x80 का 17 इंच का आपको टायर मिलता है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ABS का जो है वो लोगो मिल जाता है। इस साइड से अगर बात करते हैं तो फ्रंट का फेंडर का आप डिज़ाइन देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छे ढंग से किया गया है, जो कि स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है बाइक को। और ये हो गया फ्रेंड्स हमारे इस साइड का बात। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके सीट वगैरह के बारे में, तो कुशनिंग काफ़ी अच्छी रखी गई है, लेंथ भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ पर सीट का, और राइडर और प्लेन के लिए यहाँ पर स्प्लिट में आपको सीट दिया गया है। पल्सर का लोगो मिल रहा है और स्प्लिट में कंपनी ग्रैब रेल्स आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे टैंक की बात करते हैं तो टैंक ऊपर से काफ़ी मस्कुलर लगता है। मोबाइल चार्जिंग का यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया है, तो आप फ़ोन को इजीली यहाँ चार्ज कर पाएंगे। फ़ोन होल्डर वगैरह अगर आप लगा लेते हैं बाइक में तो आप यहाँ चार्ज कर सकते हैं। बाकी सारी बैकलिट कीज़ के साथ ये आती है, आप देख पा रहे होंगे। और हॉर्न आपको हम सुना देते हैं, तो काफ़ी लाउड आपको हॉर्न जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे मीटर जो है वो आपको मिलता है एनालॉग प्लस डिजिटल के कॉम्बिनेशन में, और काफ़ी ऐसे डिज़ाइन में यहाँ पे कंपनी आपको मीटर कंसोल प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको ABS का लोगो, न्यूट्रल का लाइट मिल जाता है, और फुल स्वाइप मार के जो है ये स्टार्ट होता है। आपको हम दिखा देते हैं, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे जो है वो मीटर यहाँ पे ऑन होता है, काफ़ी स्पोर्टी ये लुक देता है। बाकी यहाँ पे गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर, टाइम वगैरह आपको सब शो कर देता है, एवरेज फ्यूल वगैरह यहाँ सब आपको दिखाता है। सेट का बटन आपको इस साइड में मिल जाता है। और अगर हम की बात करते हैं तो की आप देख सकते हैं यहाँ पे वेव की आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो कि फ्रेंड्स देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इंजन किल स्विच आपको मिल जाता है, यहाँ पे सेल्फ आपको मिल रहा है, और आपको हम एग्जॉस्ट नोट जो है वो सुना देते हैं एक बार इस बाइक का। तो एग्जॉस्ट जो है वो फ्रेंड्स आपको काफ़ी यहाँ पे स्पोर्टी मतलब फील प्रोवाइड करता है, और मतलब ओवरऑल में यहाँ पे आपको कंपनी डुअल बैरल में एग्जॉस्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कि इसका एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा निकल कर आता है।
आपको हम एक बार एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है वो भी दिखा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आपको डुअल बैरल में आप एग्जॉस्ट कंपनी प्रोवाइड कर देती है, और रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाता है, बट वहाँ पे फ्रेंड्स आपको ABS नहीं मिल पाता है। 130 सेक्शन का कंपनी आपको रेयर में टायर प्रोवाइड करती है, जो कि सेम हमारे जैपर सीरीज़ के टायर से 130/70 का 17 इंच का साड़ी गार्ड आपको मिल रहा है। आप चाहे तो लेडीज़ फुटरेस्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे स्प्लिट में आपको जो है पीछे में टायर हगर देखने को मिलता है, जो कि एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। पीछे में आपको मोनोसॉक्स मिल जाता है, और ये 5-speed गियरबॉक्स सेटअप के साथ यहाँ पे आता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका जो इंजन कवर है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉपर टाइप के कलर में दिया गया है, जिससे कि साइड लुक ये थोड़ा मतलब डिफरेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। और इसका फ्रेंड्स आपको अगर नेकेड वर्जन परचेस करना है तो आप N250 भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं बैद्यनाथ बजाज पचम्बा गिरिडीह में, तो अगर आप गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं तो शोरूम में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल में फ्रेंड्स आपको बाइक जो है वो अभी अवेलेबल मिल जाएगी, टेस्ट राइड वगैरह भी आपको मिल जाएगा। तो मैं होप करता हूँ आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गई हो इस बाइक को लेकर। बाकी एक बार आपको ग्रैब हैंडल्स हम दिखा देते हैं, सेम स्प्लिट में ग्रैब रेल्स आपको मिल रहा है, जो कि पल्सर का यहाँ पे आइकॉनिक चलता आ रहा है। टेल लाइट्स का डिज़ाइन भी यहाँ पे आपको बिल्कुल ही न्यू मिलता है, जो कि क्रिस्टल टाइप का यहाँ पे पैटर्न में आता है और देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। अगर पावर वगैरह की हम बात करते हैं तो पावर जो है यहाँ पे लगभग में आपको 24.5 BHP का मिलता है, और टॉर्क यहाँ पे 21.5 Nm के अप्रॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि पावर यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंपनी आपको ऑफर कर देती है सेगमेंट के हिसाब से। और माइलेज की अगर बात करते हैं तो माइलेज लगभग में ये बाइक आपको 35-40 के अप्रॉक्स में ऑफर करेगा, अगर आप अच्छे से राइड करेंगे, टाइम टू टाइम सर्विसिंग वगैरह करवाएंगे, मेंटेन करके रखेंगे बाइक को, तो अच्छा माइलेज आपको डिलीवर करेगा। तो आज के वीडियो में बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।